द फर्स्ट फंक्शन इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप बूल है एंड दिस फंक्शन इज एम्प्टी. इज एम्प्टी वुड एंश्योर वी आर नॉट एबल टू रिमूव वैल्यूज वंस योर अरे इज एम्प्टी. लेट्स डू दैट. आई एम गोइंग टू कॉपी दिस प्रोटोटाइप फ्रॉम हियर. आई एम गोइंग टू एड इट इन टू माई अरे डॉट एच. हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करना चाहेंगे. आप बूल वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है. इज एम्प्टी इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड सिंस दिस इज माय अरे की क्लास का फंक्शन दैट इज व्हाई आई हैव रिटन माय अरे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज एम्प्टी ओवर हियर. सो दिस फंक्शन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट वुड सिंपली कंपेयर वेदर योर करंट साइज इज इक्वल टू जीरो और नॉट. इफ द वैल्यू ऑफ करंट साइज एंड जीरो आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि अगर करंट साइज के अंदर करंट वैल्यू जीरो पड़ी हुई है तो आपकी अरे जो है वो एम्प्टी है. सो आई जस्ट नीड टू कंपेयर करंट साइज एंड जीरो विद ईच अदर एंड इफ दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर तो आप सिंपली जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर देंगे यहां से जो के है ट्रू. सो इज एम्प्टी का हमने कोड लिख लिया यहां पे. इट वुड कंपेयर द करंट साइज एंड जीरो एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वट एवर द आंसर इज. हमें इस कोड को इस्तेमाल करना है इन आर रिमूव वैल्यू का कोड. यू आर अलाउड टू रिमूव द वैल्यू इन एनी केस. कोई चेक नहीं लगा हुआ यहां पे. चाहे वैल्यू जो है वो अरे के अंदर पड़ी हुई है चाहे नहीं पड़ी हुई, द वैल्यू वुड गेट रिमूव्ड. हम आपको एक सिनेरियो दिखाते हैं यहां पे और वो सिनेरियो कुछ इस तरह का है जब हमारे पास एक अरे पड़ी हुई है एंड नथिंग इज प्लेस्ड इनसाइड दैट अरे. हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहां पे और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमें अगर डिस्प्ले, अगर हम यहां से डिस्प्ले को देखें विच मीन्स ओबीजे डॉट डिस्प्ले के फंक्शन को अगर हम कॉल करें तो यू वुड सी ओवर हेयर कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है वो आपको ये बता रहा है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ योर अरे इज 5 एंड द करंट साइज इज 0. देयर इज नथिंग प्लेस्ड इनसाइड योर अरे. एज यू कैन सी फ्रॉम योर डिस्प्ले प्रोग्राम नथिंग इज प्लेस्ड इन द अरे एंड नथिंग इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर. लेट्स डू वन थिंग. लेट्स ट्राई टू रिमूव समथिंग फ्रॉम दिस अरे. एंड लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन. So you see over here that from the array you have got a junk value and the issue now is that your current size has become -1. Issue yahan pe khatam nahi hua. Ab aapki array jo hai uska current size ho gaya -1. Agar aap let's say is array ke andar ab koi value add karne ki koshish karte hain jo ke actual ek value hai which is obj dot add value and let's say you want to add a value supposedly -3 into this array. उसके बाद ऐड करने के बाद लेट्स डिस्प्ले एज वेल. वंस यू हैव एडेड अ वैल्यू लेट्स डिस्प्ले द वैल्यूज एज वेल. यू स्टिल गेट नो आउटपुट क्योंकि हुआ ये है कि करंट साइज प्लस प्लस करने से ए आर आर ऑफ करंट साइज यानी कि ए आर आर ऑफ -1 के ऊपर जाके वैल्यू एड हुई है और जब आपने करंट साइज प्लस प्लस की है तो नाउ द करंट साइज हैज बिकम इक्वल टू 0. सो यू सॉ द इशू ओवर हियर दैट यू डिड नॉट सी द वैल्यू दैट हैज बीन एडेड ओवर हियर. We want to add a check over here कि अगर हमारी array जो है वो empty है, if our array is empty over here, we would want to display a message and that is that our array is empty. However, if your array is not empty, then only you would want to remove values from your array. हम ये चाहेंगे कि क्योंकि ये एक value returning function है तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न होती हुई आपको नजर आए. आई हैव मेड श्योर व्हेन द अरे इज एम्प्टी सिंपली आउटपुट अ मैसेज विच इज अरे इज एम्प्टी एंड रिटर्न अ वैल्यू नल. हाउएवर इफ द अरे इज नॉट एम्प्टी विच मींस के इज एम्प्टी जो है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, उस केस के अंदर करंट साइज को -1 करें और रिटर्न करवा दें वो वैल्यू जो कि आपने जो है वो इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर से के अलावा किसी इंडेक्स से जो है वो रिटर्न करानी है. अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूं तो आप ये देखेंगे कि कोई जंक वैल्यू नहीं मिलेगी. रिटर्न वैल्यू के बाद जो हमारा साइज है वो -1 भी नहीं होगा और वैल्यू -3 एड भी हो जाएगी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट फॉर अस इज दिस वन विच इज हाईलाइटेड ओवर हेयर. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट फॉर अस इज दिस अरे इज एम्प्टी ओवर हेयर. ऑल दिस वॉज नॉट वर्किंग when we didn't have this is empty ka function present over here. जल्दी से जरा दूसरे function के ऊपर भी बात कर लेते हैं और हमारा दूसरा function जो है वो था is full का.
हमें एक और फंक्शन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज फुल, और इज फुल ये इंश्योर करेगा कि अगर हमारी अरे कंप्लीटली फिल्ड है तो उसमें मजीद वैल्यूज एड ना हो सके। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी के ये सिनेरियो जो है वो कब हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक अरे है और उस अरे का साइज है लेट्स से 3। वंस द कंटेंट हैज बीन डिस्प्लेड लेट्स ट्राई टू एड 3 वैल्यूज इन दिस अरे। लेट्स एड द फर्स्ट वैल्यू विच इज सपोजिटली 15, लेट्स एड द नेक्स्ट वैल्यू विच इज -3, एंड लेट्स एड द लास्ट वैल्यू विच इज मे बी 0 ओवर हियर। फोर्थ वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे एड करता हूँ तो आपको वो वैल्यू भी एड होती हुई नजर आती है। प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो राइट नाउ वी हैव एडेड 4 वैल्यूज इनटू एन अरे विच हैज गॉट अ साइज ऑफ 3। दिस इज अगेन नॉट समथिंग विच इज करेक्ट। वी वुड वॉन्ट कि अगर कोई वैल्यू हम एड कर रहे हैं गिवन द फैक्ट दैट आर अरे इज ऑलरेडी फिल्ड, वी शुड नॉट बी अलाउड टू एड एनी अदर वैल्यू इन आर अरे। एंड फॉर दैट वी नीड टू एड वन मोर फंक्शन, एंड दैट वन मोर फंक्शन इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन विद अ बूल रिटर्न टाइप। The name of the function is full, and we have to add equal to 0 at the end. Let's implement this function as well. We are now going to compare our current size with the maximum size. And as soon as the current size becomes equal to the maximum size, your array gets filled. That the current size must be equal to the maximum size. Now we'll go into our code for adding the value. And we would only be adding value when your array is not filled. If supposedly your array becomes full, we would want to display a message over here, that is that your array is full. And if the array is not filled, we would want that the user is allowed to add values inside your array. Program ko chalate hain yahan pe, aapne ye dekha hoga ki line number 11 ke upar humne एक फोर्थ वैल्यू एड की थी व्हेन द साइज ऑफ द अरे वाज 3। नाउ इफ आई ट्राई टू रन माय प्रोग्राम तो आप ये देखेंगे कि अब आपको एक मैसेज मिल जाएगा विच इज अरे इज फुल एंड द मैक्सिमम साइज एंड करंट साइज आर इक्वल एंड द वैल्यू 65 हैज नॉट बीन एडेड ऑन टू योर अरे।